नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, इस 30 दिनों में 3 ग्रहण एक साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं, जिसमें पहला जो चंद्र ग्रहण है वो प्रारंभ हो चुका है, यानी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय 11:25 हुआ है, यानी यह पहला चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। दूसरा ग्रहण 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और तीसरा ग्रहण 5 जुलाई को पड़ने के लिए जा रहा है। यह वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसके बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, इन तीनों ग्रहों का हमारे विश्व पर क्या असर पड़ने के लिए जा रहा है। खासकर जो कोरोना की बीमारी है उसका क्या हाल होने के लिए जा रहा है। तो पहले बताते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जगह जगह भूकंप आने की स्थितियां बनेंगी, आंधी तूफान, कहीं कहीं जो है अति वर्षा होगी। दिल्ली, NRC आदि में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। कई जगह इस प्रकार के तूफान आएंगे कि बहुत बड़ी तबाहियां होंगी। चीन और पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। चीन प्रयास करेगा भारत को किसी न किसी रूप में दहशत दिलाने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं इस कोरोना जैसी महामारी के बारे में। उसके बारे में हमारी भविष्यवाणी है, आप इसे नोट करके रखें। जून और जुलाई के महीने में ये बहुत ज़्यादा पीक पर रहेगा। इसकी संख्या 5-7 लाख तक हमारे देश में हो सकती है। मरने वालों की संख्या 20-25 हज़ार तक पहुंच सकती है। पॉजिटिव चीज़ ये रहेगी कि ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। सितंबर के पश्चात इसमें कुछ सुधार की संभावनाएं दिखेंगी। तो ये तीनों ग्रहण किसी भी रूप में सुफल देने वाले नहीं हैं। किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो सकता है, फिल्म जगत से हो सकता है, राजनीति जगत से हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी पॉपुलर है, ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना इस समय हमें दिखाई दे रही है। तो मित्रों, एक छोटी सी जानकारी हमने आपको इन तीनों चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण, दो चंद्रग्रहण और एक सूर्य ग्रहण के बारे में बताया और इस महामारी के बारे में बताया कि इसका प्रभाव कब से कम होगा। तो सितंबर के पहले इसके प्रभाव कम होने की कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही,
बल्कि जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा यह देखने के लिए बढ़ेगा। दिन में 10,000, 15,000, 20,000 तक की संख्या पहुंचने वाली है। इसका यही उपाय है कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें तो सुरक्षित रहेंगे, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा इस बीमारी में कोई भी व्यक्ति चपेट में आ सकता है, क्योंकि बीमारी किसी की जाति, धर्म, उम्र इत्यादि नहीं देखती है। इसलिए जितने ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे उतने ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो मित्रों, मन में विचार आया कि यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और हम अपनी साधना में बैठे हुए थे, तो हमें जो देखा वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी समझा कि जो हम देख पा रहे हैं उसको क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो अपनी साधना काल में जो हमने देखा वो हम आप लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, और आप लोग इस समय यदि किसी प्रकार की कोई भी साधना कर रहे हैं तो माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फलित हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।